ओप्पो रेनो 85G इस फोन का मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था और आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 7 दिन तक इस फोन को मैं यूज कर रहा हूँ। इस वीडियो में इस फोन का डिटेल रिव्यू करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा इस फोन को आप लोगों को परचेस करना चाहिए कि नहीं। ये वीडियो बना रहा हूँ मैं 10 तारीख को और आज फर्स्ट सेल है, तो आज ही आप लोगों को पता लग जाएगा इस फोन को बाय करना चाहिए कि नहीं। डिजाइन के पास देखोगे बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड क्वालिटी दिया है, लेकिन हाथों का निशान वगैरह बिल्कुल भी नहीं आता है और क्रैचेस वगैरह अभी तक नहीं आया है। अगर आपके हाथों से गिर जाए तो क्रैचेस वगैरह आने का चांसेस रहेगा। इस फोन में कलर चेंजिंग बैक पैनल नहीं दिया है, फिर भी अगर आप फोन को टिल्ट करोगे हर बार कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा और ये थोड़ा सा अमेजिंग है, मुझे काफी अच्छा लगा। अलग अलग एंगल से अलग अलग कलर दिखाई देता है। कैमरा का मॉड्यूल भी बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा। कैमरा से नीचे की तरफ ये जो लाइन आया है ना, प्रीमियम जैसा लुक देता है। बहुत ज्यादा पतला फोन है और लाइट वेट फोन है, यूज करने में मजा आएगा। अगर आपके हाथ थोड़ा छोटा भी है आपके हाथों में फिट होगा, दिक्कत नहीं होगा। एक हाथों से अगर ज्यादा टाइम तक यूज करोगे तो यहाँ पे भी हाथ दुखेगा नहीं। अनबॉक्सिंग वीडियो में मैं एक गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों। एक्चुअली मैं अनबॉक्सिंग वीडियो में बोला था इस फोन में जो सिम स्लॉट दिया है वहाँ पे 2 सिम कार्ड लगा पाओगे, माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का जगह ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। इस फोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, यानी कि 2 सिम कार्ड या तो 1 सिम कार्ड और 1 माइक्रो एसडी कार्ड आप लगा पाओगे। बस मैं माफी चाहता हूँ, गलती से ये हो गया था। इस फोन में 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस 3D फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे दिया है, यानी कि कार्प डिस्प्ले देखने को मिलता है। 30,000 रुपीज के अंदर कार्प डिस्प्ले बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत सारे लोग कार्प डिस्प्ले वाला फोन खरीद रहा है, तो इसके कार्प डिस्प्ले के वजह से ये फोन ज्यादा बिकेगा और ये ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करेगा और ऑफलाइन कस्टमर ज्यादातर कार्प डिस्प्ले के वजह से ही इस फोन को खरीदेगा। डिस्प्ले इसका काफी अच्छा है, मैंने बहुत सारे मूवी बहुत सारे वीडियो वगैरह देखा हूँ, अच्छा क्वालिटी इस फोन में मिलता है। मूवी वगैरह अगर आप ज्यादा देखते हो, कंटेंट कंज्यूम अगर आप ज्यादा करते हो, ये फोन आप लोगों को मजा देगा, मायूस नहीं करेगा। बहुत सारे लोग अनबॉक्सिंग वीडियो में मुझे पूछा था एक कार जगह में टच लेता है कि नहीं। देखिए टच तो लेता है, लेकिन जब आप कोई भी काम वगैरह कर रहे हो इस तरह पकड़ के अगर ये जगह यहाँ पे फोन के कॉर्नर में या कार में टच हो रहा है तो एक्सीडेंटली जो टच होता है वो नहीं होता है, लेकिन टच लेता है। कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो एक्सीडेंटली टच तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से स्वाइप करोगे तो ये देख लीजिए स्वाइप होता है दोस्तों। ओप्पो यहाँ पे अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया है, ये मेरे को काफी अच्छा लगा है। और हाँ, कार्ब डिस्प्ले फोन अगर आपके हाथों से गिरेगा तो बहुत जल्दी जल्दी टूटेगा। इस फोन में जो प्रोसेसर दिया है मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट देखने को मिलता है। हाँ, 4 लाख के ऊपर अंतुतु स्कोर आता है। मैं कंटिन्यू इस फोन में पबजी खेला था। स्मूथ एंड अल्ट्रा करके खेल पाओगे और एचडी एंड हाई करके खेल पाओगे, स्मूथ एंड एक्सट्रीम लेवल में भी आप लोग नहीं जा पाओगे। हाँ, जीएफएक्स टूल वगैरह यूज करके आप खेल पाओगे, लेकिन नॉर्मल जो सेटिंग है वो ज्यादा सेटिंग नहीं दिया है। मैं स्मूथ एंड अल्ट्रा करके खेल रहा था, अच्छा खासा चला। हाँ, कभी कभार लैग वगैरह दिखाई दे रहा था, वरना ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब मैं एचडी हाई करके खेलता हूँ भर भर के लैग होता है दोस्तों। इतना ज्यादा लैग होता है आप खेल ही नहीं पाओगे, शुरू से लैग होता है अगर आप एचडी हाई करके खेलोगे। तो अगर आप लोग ये फोन ले रहे हो, इस फोन में गेमिंग करोगे ज्यादा करके पबजी, तो स्मूथ एंड अल्ट्रा करके ही खेलना। लैग वगैरह होगा, कभी कभार लैग वगैरह होगा, उसके साथ आप लोगों को खेलना पड़ेगा, लेकिन ठीक ठाक चला देगा। जब आप लोग एचडी हाई करके खेलने जाओगे ये फोन दम तोड़ देगा, खेल ही नहीं पाओगे। मैं इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट कर रहा था तो उसके वजह से कंटिन्यू मैंने पबजी खेला था 5 घंटे के आसपास। मैं जब 3 घंटा क्रॉस किया ना, इसका हीटिंग मैं आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिए 45, 47, 46 के आसपास है, मतलब 45 के ऊपर ही है इसका टेम्परेचर। कैमरा के चारों ओर जो पोर्शन है इस जगह में स्लाइटली ज्यादा हीट होता है। मैं इस तरह पकड़ के जब मैं खेलता हूँ ना, और ये जो उंगली है यहाँ पे लगा रहता है, ये उंगली मेरा बहुत ज्यादा दुखा है जब मैं इस फोन में गेमिंग कर रहा था बहुत ज्यादा हीट के वजह से। तो ये फोन हीट होता है और मैं आप लोगों को लाइव टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करता है फेक टेस्ट है, कहां से फेक टेस्ट है दोस्तों? मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ तो दिखा रहा हूँ, फोन में टेस्ट करके तो दिखा रहा हूँ, और किस तरीके से टेस्ट करके मैं आप लोगों को दिखाऊं? आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आप लोगों को ये फेक लग रहा है तो। मैं जेन्युइन ही सब कुछ रिव्यू करता हूँ, क्योंकि ब्रांड मुझे फोन नहीं बेचता है, मैं खरीद के रिव्यू करता हूँ, तो उसके वजह से सब कुछ जेन्युइन चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। 4800mAh का बैटरी देखने को मिलता है, 5 घंटे के आसपास चलता है। मैं पबजी खेला था, पबजी खेलने के दौरान 5 घंटे के
आसपास चला है, 3 घंटे टाइम दिया है। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल यूज करोगे, डेली लाइफ यूज करोगे, एक दिन आराम से निकाल देगा ये फोन। 67 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, फुल चार्ज होने के लिए 45 मिनट के आसपास लगता है। ब्रांड दावा करता है कि 35 या 30 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप सिम वगैरह लगा के चार्ज वगैरह करोगे, ऑब्वियसली आप फोन खरीद रहे हो, फोन के अंदर सिम तो रहेगा ना, और उसके वजह से नेटवर्क वगैरह जब फ्लैक्चुएट होता रहता है, चार्जिंग में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, लगभग 45 मिनट के आसपास लगता है 0% से 100% तक फुल चार्ज होने के लिए। इसका चार्जिंग टेस्ट वीडियो शूट हो चुका है, अभी तक चैनल में नहीं आया है, पहले रिव्यू आ रहा है, उसके बाद चार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन आएगा इस फोन के साथ बहुत सारे फोन का। कार्ड में लिंक ऐड कर दूंगा, अपलोड करने के बाद वो वीडियो एक बार जरूर चेक कर लेना। व्हाइट वाइन L1 देखने को मिलता है, यानी कि नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम में फुल HD कंटेंट वगैरह कंज्यूम कर पाओगे। कैमरा टू API का ऑप्शन है, सार वैल्यू इसका लिमिट के अंदर है। इस फोन में हैप्टिक फीडबैक एवरेज है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सबसे बढ़िया हैप्टिक फीडबैक इस फोन में मिलता है, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक हैप्टिक फीडबैक मिलता है इस फोन में। ना आप लोग यूट्यूब में 4K कंटेंट वगैरह कंज्यूम नहीं कर पाओगे, कई बार क्या होता है फुल HD तो रहता है, उसके साथ साथ 4K का ऑप्शन भी रहता है, वहां पे क्लिक करने के बाद पिक्चर क्वालिटी और भी अच्छा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फुल HD तक ही जा पाओगे, उससे ज्यादा सेटिंग आप लोग नहीं कर पाओगे या यूट्यूब में ज्यादा सेटिंग करके आप लोग नहीं देख पाओगे ज्यादा क्वालिटी में, ज्यादा करके 4K। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है और फिंगरप्रिंट सेंसर काफी फास्ट है, मैं खुद टेस्ट किया हूँ, काफी फास्ट है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। 8GB 128GB वेरियंट हमारे पास मिलता है, रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन को ओपन किया था, रैम में जाके टेस्ट कर रहा था, हर एक एप्लीकेशन उसी जगह से ओपन हो रहा था। तो 8GB का रैम है, ऊपर से ओप्पो उसके कलर OS को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया है, रैम मैनेजमेंट बढ़िया मिलता है। एप्लीकेशन ओपनिंग के टाइम में कोई भी लैग वगैरह मुझे दिखाई नहीं दिया था, स्मूथली ओपन हो रहा था एप्लीकेशन वगैरह, तो एप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है ओपनिंग के टाइम में। चलो अब कैमरा के बारे में बात करते हैं। इस फोन के बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, ये सैमसंग का सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का प्रोटेट सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस फोन में देखने को मिलता है। इस फोन में फुल HD 30fps करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, फुल HD 60fps का ऑप्शन ही नहीं दिया है। सबसे पहले कुछ नाइट सैंपल अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, नॉर्मल सैंपल और नाइट सैंपल दोनों को साइड बाय साइड अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ना, नाइट मोड में सच में ये फोन काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। अंधेरे में जब मैं नॉर्मल मोड में पिक्चर वगैरह खींचता हूं, लाइट जो है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है, जबकि नाइट मोड में अच्छी तरीके से कैप्चर करता है। रातों में मैंने प्रोटेट सैंपल खींचा था, तो इसका प्रोटेट सैंपल रातों में उतना अच्छा नहीं आता है। सेल्फी कैमरा में नाइट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, चाहे वो नॉर्मल सैंपल या नाइट मोड में। ऑब्वियसली नाइट मोड में स्लाइटली बेटर आप लोगों को मिलेगा नॉर्मल से, नॉर्मल में बहुत ज्यादा नॉइस वगैरह आप लोगों को मिलेगा या बैकग्राउंड में जो लाइट वगैरह होगा उसको थोड़ा सा बूस्ट कर देता है, लेकिन नाइट मोड में अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करके देता है। ओप्पो रेनो 85G का डिटेल कैमरा टेस्ट किया हूं, अगर आप लोगों को वीडियो देखना हो कार्ड में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो एक बार जरूर चेक कर लेना। डेलाइट में कुछ सैंपल मैं आप लोगों को दिखाता हूं, डेलाइट में भी सैंपल काफी अच्छा है, डिटेलिंग भी मस्त खींचता है, उसके साथ साथ डायनामिक रेंज में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, प्रोटेट मोड में एज रिडक्शन वगैरह काफी अच्छा है। सेल्फी कैमरा में ये फोन ज्यादा ब्यूटी नहीं करता है, सेल्फी कैमरा में प्रोटेट मोड भी जबरदस्त है, एज रिडक्शन वगैरह ओवरऑल काफी अच्छा है। इस फोन में फुल HD 30fps करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो स्टेबिलाइजेशन के साथ, मैं आप लोगों को एक सैंपल दिखा देता हूं। दोस्तों ये है इसका वीडियो क्वालिटी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा है, और यहां पे स्टेबिलाइजेशन दिया गया है, मैं थोड़ा सा ना भाग के आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां पे देख लीजिए उतना ज्यादा सेकी वीडियो नहीं आता है, और वीडियो में कलर कंट्रास्ट वगैरह भी ठीक ठाक है, लेकिन इस फोन में फुल HD 30fps करके आप लोग सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो इसका एक पॉइंट है आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इस फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, अगर आप गेमर हो, गेम ज्यादा खेलते हो, आप लोगों के लिए 120 हर्ट्ज बहुत मदद करेगा स्मूथनेस के मामले में, या स्क्रॉलिंग वगैरह में भी आप लोगों को स्मूथ हो जाता है ये फोन। इस फोन का ना छोटे मोटे बहुत सारे हिडन फीचर्स भी देखने को मिलता है, जैसे कि एप्लीकेशन को कैसे हाइड करना है, गैलरी से पिक्चर वगैरह कैसे हाइड करना है। हमारे फीचर्स चैनल में इस फोन का 50+ फीचर्स वीडियो है, तो वीडियो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में या कार्ड में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर एक बार चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो सारे वीडियो आप लोग एक एक करके चेक कर लेना, आप लोगों का बहुत हेल्प हो जाएगा और बहुत सारे फीचर्स के बारे में जान पाओगे। इस फोन में हेडफोन जैक भी नहीं देखने को मिलता है, बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। बात करते हैं इस फोन को खरीदना चाहिए कि नहीं। इस फोन का जो प्राइस है 8GB 128GB वेरिएंट 30,000 रुपीज में मिलता है। देखिए अगर आप एक कार्व डिस्प्ले वाला फोन चाहते हो, ओप्पो का ब्रांडिंग चाहते हो, लाइट वेट फोन हो, डिजाइन में अच्छा हो, इस फोन के पास एक बार जरूर चेक करना। अगर आप परफॉर्मेंस वाइज खरीदना चाहते हो, इस फोन के पास मत देखना, ये फोन आप लोगों को बहुत ज्यादा निराश करेगा। ओप्पो का ही और एक फोन है ओप्पो रेनो 8, उस फोन के पास देखना, इससे काफी बेटर है ओप्पो रेनो 8। परफॉर्मेंस वाइज अगर आप लोगों को ये फोन अच्छा नहीं लग रहा है तो ओप्पो रेनो 8 के पास देखिए, वो शानदार स्मार्टफोन है। मैं आप लोगों को बता दिया हूं डिजाइन
डिजाइन के मामले में थोड़ा बहुत कैमरा भी अच्छा है, कार्व डिस्प्ले है, तो उसके वजह से बहुत सारे लोग इस फोन को खरीदेगा। आप इस फोन को खरीदोगे कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग हमारे रिव्यू को और भी किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कोई भी फीडबैक रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।